हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए वो भी न्यू स्टाइल में। देखिए, हमने स्लीव और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है और ये हमने इस तरह से कुछ पट्टियां कट की है। इसकी लंबाई 3 इंच है, इसकी चौड़ाई भी 3 इंच रहेगी। और देखिए, हमने ये मोती लिए इस तरह से गोल्डन कलर के, थोड़े बड़े लिए हमने, आप कोई भी साइज ले सकते हैं। और इसकी जो लंबाई ली हमने स्लीव की वो 11 इंच ली है। इसकी जो विड्थ ली हमने वो हमारी 7.5 इंच है। और जैसे नॉर्मल गुलाई देते इस तरह से हमने गुलाई दे दी इसमें। देखिए, हमारी ये बीच में से ओपन है, बीच में से हमारी कट है ऑलरेडी पहले से, तो इसमें से हमें क्या करना है, तो स्लीव और लाइनिंग इस तरह से रखेंगे और नीचे से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे हम। तो देखिए, नीचे स्लीव रखेंगे सीधी इस तरह से और सेम इसी के ऊपर हम लाइनिंग को रख के और सिलाई कर देंगे। देखिए, इस तरह से अब इसे पलट देंगे हम। देखिए, इस तरह से अब इसके ऊपर सिलाई नहीं करेंगे हम, अब इन पट्टियों को तैयार करेंगे हम। तो देखिए, एक पट्टी को इस तरह से लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से हम इस तरह से एक मोती लेंगे, फिर दूसरी पट्टी के बीचों बीच में इस तरह से। देखिए, हमारी पट्टी इस तरह से तैयार होगी। इसी तरह मैं सारी पट्टियां तैयार कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने सारी पट्टियां तैयार कर ली हैं और ये हमने 3 इंच का पेपर कट कर लिया है एक, इसको हम इस तरह से बीचों बीच में इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से सेम इसी तरह यहाँ पे भी सिलाई करेंगे। देखिए, हमने दोनों साइड सिलाई कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर लिया है। अब स्लीव को हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर देंगे दोनों साइड।
देखिए हमने सिलाई कर लिया, जो पेपर है उसे निकाल देंगे। देखिए हमने पेपर निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है स्लीव्स का। तो आप इस तरह से अपनी सुंदर स्लीव बना सकते हैं, इसी तरह आप अपनी दूसरी स्लीव भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है, तो इस तरह से हमारा ये लुक आएगा। तो ये बिल्कुल सेंटर पार्ट में आएगा, बीचों बीच में बहुत ही प्यारा लुक आता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी थी।